पंजाब कांग्रेस के नेता सुखपाल खैरा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब आप विपक्ष दल के नेता थे तो वीआईपी कल्चर के खिलाफ खूब बोलते थे। वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात करने वाले खुद वीआईपी कल्चर अपना रहे हैं। खैरा ने ट्वीट कर लिखा कि यह है बदलाव। ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया गया है कि जिसमें सीएम मान पोर्श गाड़ी से आते हुए दिखाए गए हैं। इसमें उनका लंबा चौड़ा काफिला दिखाया गया है, उन्हें हेलीकॉप्टर से उतरते हुए दिखाया गया। इसके अलावा कई योजनाओं के नींव पत्थर रखने के दृश्य भी दिखाए गए हैं। वह सुखपाल खैरा की तरफ से शेयर किए गए वीडियो में सीएम मान का वो बयान भी सुनाया गया जिसमें वो कह रहे हैं कि नेताओं के काफिले के हूटर हेलीकॉप्टर की सैर के बजाय मुख्यमंत्री के अपना गैस सिलेंडर भरवाने के लिए लाइन में लगकर आम खास का अंतर खत्म करें। इसको लेकर कांग्रेस विधायक ने तंज कसा है। इसके अलावा सुखपाल सिंह खैरा ने इस वीडियो का वो बयान भी सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि आरटीआई के आंकड़ों के अनुसार पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पंजाब में 1 किलोमीटर चलते हैं तो 1.5 लाख रुपए का खर्च आता है। मलोट में 50 लाख रुपए की गली का उद्घाटन कर जब वो वापस चंडीगढ़ लौटते हैं तो इतने में 3 करोड़ रुपए का खर्च आ जाता है। सुखपाल सिंह खैरा के वीडियो में सीएम मान का वो बयान भी सुनाया गया है जिसमें वो कह रहे हैं हमें नींव पत्थर नहीं चाहिए, पत्थर मुर्दों के गाड़े जाते हैं, जिंदा लोगों के नहीं। इसके अलावा ओवरब्रिज, सड़कें, गलियां बनाकर सरकार लोगों पर कोई एहसान नहीं करती, ये सब तो जनता का पैसा है, काम करवाना तो बस सरकार का कर्तव्य है। वीडियो डेस्क amarjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।